अगर आज से पहले आपने ब्रोकली नहीं खाई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आप ब्रोकली के फैन हो जाएंगे। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो जब भी आप ब्रोकली खरीदें तो आपको ध्यान रखना है, ये देखिए इस तरह से अंदर से ये आपको ख़राब दिख रही है थोड़ी सी, और अगर आप इसको खोलेंगे तो एकदम पीला पीला है अंदर, मतलब ये पक गई है ब्रोकली और पुरानी हो चुकी है। और ये देखिए मैं आपको दूसरी तरह की ब्रोकली दिखाती हूँ, ये फ्रेश ब्रोकली है। आप देख सकते हो कि अगर आप इसको अंदर खोलोगे तो ये हल्की हरे रंग की है और अच्छा गटा हुआ फूल है, तो इसी तरह का ब्रोकली का फूल हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लीव्स जो है वो निकाल के अलग कर देंगे, और जैसे कि हम गोभी काटते हैं उसी तरह से हम इसके फ्लॉरेट्स निकाल लेंगे। तो बस इसके फूल इस तरह से हम अलग अलग निकाल लेंगे, और अब आप इसको जितने भी बड़े आपको फ्लॉरेट्स इसके चाहिए हो उस हिसाब से इसको काट लें आप। तो मैं बहुत बड़े बड़े तो नहीं रख रही हूँ, ये देखिए इस तरह के फ्लॉरेट्स हम इनके अलग कर लेंगे। और ये जो इसका डंठल है हम इसको फेंकेंगे नहीं, बस इसकी एक पतली सी लेयर ऊपर वाली निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए जो हार्ड लेयर है मैंने निकाल दी है, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। तो बस इसको हम एक बार अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद आप इसको किसी इस तरह की छन्नी में निकाल दें जिससे कि जो भी इसने एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब किया है वो निकल जाए। तो ब्रोकली मोस्टली जाड़ों में काफ़ी अच्छी आती है और बहुत हेल्दी होती है, आपको पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसकी सब्ज़ी ये वाली जो है बहुत फटाफट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसको पकाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, तो बहुत कम तेल में बनती है सब्ज़ी, मतलब आप 1 टीस्पून तेल का इस्तेमाल करें इसमें। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, क्योंकि ब्रोकली जो है थोड़ी हैवी होती है डाइजेशन में, तो आप अजवाइन ज़रूर डालें। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और 3 से 4 कली लहसुन, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो ये देखिए अदरक लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब हम इसमें डाल देंगे ब्रोकली जो कि हमने धो के रखी थी, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तो नमक का इस्तेमाल हम बाद में भी करेंगे इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे अभी, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल धीमे कर देंगे, ब्रोकली को कवर कर देंगे, और इसको 75% तक हम कुक कर लेंगे, मतलब बिल्कुल पूरा नहीं गला देना है, थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रखना है। तो जब तक ब्रोकली पक रही है हम क्या करेंगे, एक मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास है 1/2 कप बेसन, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा एकदम नमक, 1/8 टीस्पून मतलब एक बड़ी चुटकी के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर या खटाई, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 1 टीस्पून ऑयल, और अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो मैं इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लूँगी जिससे कि जो तेल है वो बेसन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथों से मसल दें जैसे कि मसाले और तेल बेसन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और आइए फटाफट ब्रोकली को भी चेक करते हैं। ब्रोकली को पकाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट हुए हैं, और ये देखिए 100% नहीं गली है, बस थोड़ी सी इसमें अभी भी ना कच्चापन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रोकली जो है थोड़ी पुरानी है और वो गल नहीं रही है, तो आप थोड़ा सा पानी छिड़के और ढक दें ब्रोकली को, तो वो अच्छे से गल जाती है। तो हमें जिस हद तक ब्रोकली को गलाना था हमने गला दिया है इसको, और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो हम क्या करेंगे, इस पर इस तरह से बेसन की एक लेयर डाल देंगे पूरी, और इसको अभी हमें चलाना बिल्कुल नहीं है, गैस की फ्लेम को हमें धीमे कर देना है और इसको कवर कर देना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक। ब्रोकली को मैंने थोड़ी देर और पकाया है ढक के, और बस अब हम क्या करेंगे, इसको बेसन के साथ अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने इसमें कच्चा बेसन डाला था जैसा कि आपने देखा था, पर ये बेसन जो है इस प्रोसेस में पूरी तरह से भुन जाएगा और खाने में बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा। तो उसको बस हल्का सा हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए बेसन को मैंने बस 1 मिनट तक ही भूना है, और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है। और बस अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे क्या होगा ये जो सारा बेसन है थोड़ा सा फूल जाएगा और ब्रोकली के ऊपर ये स्टिक भी हो जाएगा। और बस हम इसको 1 मिनट के लिए और बस इस तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन है ब्रोकली के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है, और हमने इसको बस 1 मिनट तक और भुना है। हम इस टाइम पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे,
और इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के साथ। और ये जो हमारी ब्रोकली है बनके बिल्कुल तैयार है। ये इतनी टेस्टी होती है ना कि आप इसको एज अ एपेटाइजर भी खा सकते हो और आप इसको ड्राई सब्जी की तरह भी खा सकते हो। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की होती है। अगर आपने ब्रोकली आज से पहले ट्राई नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी से आप ब्रोकली अपने खाने में शामिल करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ब्रोकली से और क्या क्या बनाते हैं और आपकी ब्रोकली से बनी फेवरेट सब्जी कौन सी है। तो आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान था और जब भी कोई आपके यहाँ गेस्ट आए तो आप उनको ये फटाफट बना के खिला सकते हैं। तो ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।